बॉयज का फाइनल्स का लाइनअप आप देख सकते हैं। 100 मीटर की दौड़ शुरू होने वाली है और एक मेडल हमको मिलेगा इस इवनिंग सेशन में। वेस्ट बंगाल के रोहन घोष और उन्हीं के स्टेट के पीयूष घोष वहां पर होंगे, जबकि नजर रखेगा डोंडावती कृति जयराम पर, जो कि ओडिशा से आते हैं और शानदार दौड़ लगाई थी उन्होंने सुबह हीट में। तमिलनाडु के वरुण उरी मनोहर, ये दोनों खिलाड़ी एक ही हीट में थे, जबकि महाराष्ट्र के ऋषि प्रसाद, संजय देसा, मध्य प्रदेश के अभय सिंह कंवर, कर्नाटका के मुथुना और तेलंगाना के गौतम अलूरी। तो काफी खूबसूरत शाम है सुनील, यहाँ पे 25 डिग्री का ओडिशा ऋषि प्रसाद संजय महाराष्ट्र 6277 अभय सिंह को मध्य प्रदेश एंड 7223 मथुरा के वाई कर्नाटका एंड 8428 गौतम आदोरी तेलंगाना। तो 100 मीटर की फाइनल रेस की शुरुआत होने वाली है, सभी एथलीट तैयार हैं और हम बात कर रहे थे वेदर की। एक खूबसूरत शाम है, 25 डिग्री टेम्परेचर, और जैसे कि कहते हैं आउटडोर एथलेटिक्स में हवा और वेदर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ह्यूमिडिटी 25% है, जबकि विंड जो है 8 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। मॉर्निंग सेशन में विंड का थोड़ा सा असर नज़र आया था एथलीट्स की परफॉर्मेंस पे, लेकिन इवनिंग में थोड़ी सी हवा कम है। अब देखते हैं कि किस तरह से नतीजे सामने आएंगे। हमारी ज्यादा नजर रहेगी लेन नंबर 3 और 4 में, क्योंकि लेन नंबर 3 में है डोंडापति, मृत्यु, जयराम। अगर हीट्स की बात करें तो सबसे फास्ट वही थे 10.79 सेकंड्स के साथ। गोली की आवाज है और ये फॉल्स स्टार्ट का अलार्म बजा है। क्या अर्ली राइज हुआ है, क्या कोई एथलीट ब्लॉक से जल्दी निकला है, कौन सा कार्ड मिलने वाला है? और सुनील अंडर 18 स्टेज है, तो ऐसे मौके देखने को मिलेंगे जहां पे फॉल्स स्टार्ट हो सकता है। रिएक्शन स्पीड काफी ज्यादा होती है, आपको एक्सप्लोसिव स्टार्ट वहां पर करना होता है 100 मीटर की दौड़ में। इंतजार करना होगा कि ऑफिशियल्स के हिसाब से कौन सी लेन में बॉल स्टार्ट हुआ है। लेन 5 में ग्रीन, लेकिन ग्रीन कार्ड का मतलब थोड़ा सा लेन नंबर 2 पे जो है वो जल्दी उठ गए थे, क्या वहां पे बॉल स्टार्ट है? ये ग्रीन कार्ड से आप ये मत लगाइए कि यहां पर किसी का बॉल स्टार्ट हुआ होगा, ये वार्निंग है लेकिन पेनल्टी नहीं है। अगर किसी का बॉल स्टार्ट हुआ है लेकिन मशीन जो है टेक्निकल इशू के कारण बता नहीं पाती है जबकि किसका फॉल स्टार्ट है, तो ये ग्रीन कार्ड दिखाया जाता है। ब्लॉक्स देखिए, उनके पास लगा स्पीकर देखिए, उनके साथ मशीन होती है जो इस चीज को मेजर करती है, देखती है कि फॉल स्टार्ट है या नहीं। और कई बार मशीन, क्योंकि टेक्नोलॉजी है जिस पर किसी का बस नहीं है, वो रजिस्टर कर नहीं पाती, तो कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है। हम दोबारा से तैयार हैं इस 100 मीटर बॉयज फाइनल के लिए। चुनौती ये है कि वही कॉन्सेंट्रेशन फिर बनानी पड़ेगी। 10 या 11 सेकेंड का ये इवेंट है और इस 11 सेकंड के इवेंट्स के लिए आपने 11 महीने या 22 या 33 महीने प्रैक्टिस की है। दोबारा से फोकस कीजिए। और सबसे ज्यादा टफ होता है 100 मीटर में अगर आपको ऐसे मौके देखने पड़े। इस बार कोई दिक्कत नहीं है, गोली की रफ्तार से सारे के सारे एथलीट निकले हैं और मामला फिलहाल जो है लेन नंबर 4 में वरुण मनोहर सबसे आगे चल रहे हैं। क्या वो अपने राज्य के लिए गोल्ड मेडल लेकर जाएंगे?
351 टोंडा पति मृत्यु जयराम जो कि उड़ीसा से हैं, जो कि इस रेस को जीतने के हॉट फेवरेट थे, संभवतः गोल्ड मेडल ले गए हैं। वंडरफुल परफॉर्मेंस, और सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि उन्होंने अपने हीट के टाइमिंग को बेहतर किया है। डोंडापति मृति जयराम जो कि पहले से ही 100 मीटर के गोल्ड के लिए प्रबल दावेदार माने जा रहे थे, शानदार स्टार्ट बेशक ना हुआ हो, लेकिन 20 मीटर के बाद क्या कवरेज उन्होंने किया है। शुरुआत हुई चौथे लेन से, कंपटीशन उनको आया था वरुण ओरी मनोहर, जबकि ये दोनों खिलाड़ी जो है एक ही हीट में थे, लेकिन आखिरी के 50 मीटर पूरी तरह से डोंडापति मृति जयराम के नाम रहे। क्लियर विनर वहां पर, इतना नीट फिनिश किया है, इतना स्टाइलिश फिनिश वहां पर उन्होंने किया है। 10.53 सेकंड्स के साथ उन्होंने अपनी टाइमिंग बेहतर की। जब हीट में थे उड़ीसा के ये खिलाड़ी तो 10.79, यहां पर कंपटीशन स्ट्रॉन्ग था, लेकिन आखिरी के 40 मीटर में कहानी पूरी तरह से बदल गई। लेन नंबर 5 से भी कॉम्पिटिशन आया ऋषि प्रसाद संजय देसाई का, जो की महाराष्ट्र से है, लेकिन आखिरकार जीत हासिल की है। किस टाइम उन्होंने पैर बाहर निकाला है दिखाता है कि वो टेक्निकली कितने साउंड है। लॉन्ग स्ट्राइड उनके चेहरे पर देखिए, वो कॉन्फिडेंस, वो स्ट्रेंथ, वो एक्सप्लोसिव स्टार्ट उन्होंने लिया था और उसे आखिरकार वो कन्वर्ट करने में कामयाब हो गए हैं। 10.53 सेकेंड्स के साथ उन्होंने इस 100 मीटर के गोल्ड मेडल पर कब्जा कर लिया है। चलिए टाइम भी आ चुका है 10.53, यानी कि अपने सुबह हीट के टाइम को बेटर किया है जयराम ब्रुते डोंडापति जो कि उड़ीसा के हैं। उन्होंने महाराष्ट्र के ऋषि प्रसाद संजय डेसा 10.67 के साथ सिल्वर मेडल, जबकि तमिलनाडु के वरुण उरी मनोहर जिनकी स्टार्ट सबसे अच्छी रही थी 10.73 के साथ उनको ब्रॉन्ज मिला है। एमपी के अभय सिंह कंवर लोकल बॉय उनसे तकरीबन 0.2 सेकंड पीछे रहे ब्रॉन्ज मेडल पाने से, बट काफी क्लोज दौड़ थी। गोल्ड मेडल के लिए बहुत बड़ी चुनौती डोंडापति मृत्यु जयराम को नहीं मिली, लेकिन उसके बाद अगर टाइम देखें 10.913, 10.915, 10.94, बहुत ही करीबी दौड़ थी नंबर 3, 4, 5, 6, 7 में। तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड से जो है रेस का नतीजा बदल जाता है और 100th of seconds में काउंट किया जाता है। चलिए एक काम करते हैं, तानिया पुरोहित के पास चलते हैं, वो हैं विजेता डोंडापति मृत्यु जयराम के साथ। टीएम जयराम ओडिशा के जिन्होंने 100 मीटर्स रन में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है, बहुत सारी मेहनत, लेकिन उसके बाद कहते हैं कि 11 सेकंड्स की रेस है, लेकिन उसके पीछे कितनी लंबी मेहनत लगी है। कुछ नहीं, बहुत मेहनत करते क्या और क्या और क्या, आप इसको ऐसे ले रहे हैं कि हालांकि समय बहुत सारा लगा होगा, राइट? बट आई हैड हार्ड वर्क, तो क्या हूँ, थैंक्स टू ओडिशा गवर्नमेंट, रिलायंस फाउंडेशन, दैट्स इट। ओके, चलिए यहाँ पर आपने गोल्ड अपने नाम कर लिया, मेहनत का फल मिला, लेकिन फ्यूचर के लिए क्या प्लान्स है इस साल? Under-20 वर्ल्ड चैंपियंस भी खेलने का है, दैट्स इट, वो खेलना, इंडिया तक रिप्रेजेंट करना है बस। अच्छा, ये आपको पता है ना कि आपने जो अभी टाइमिंग यहाँ पर ली है वो एक नेशनल यूथ रिकॉर्ड बना है, इनफैक्ट आपका जो हीट में जितना टाइम था उसको आपने बेहतर किया, यू नो दैट? या मैम। अच्छा, प्लानिंग के साथ था, सोचा था ऐसा कुछ इससे पहले जब आज उतरने वाले थे? यस मैम, मैं रिकॉर्ड बनना वाला था, गोल्ड के बाद छोड़ो, मैं रिकॉर्ड बनाने वाला था। ओके, ये बताइए कि शुरुआत कहाँ से हुई थी इस जर्नी की? एक मोमेंट आता है किसी भी खिलाड़ी के जीवन में जहाँ लगता है कि आई कैन डू इट, आपके लिए क्या था? शुरुआत कहाँ से की थी, कितने साल हो गए जब से आपने सोचा कि आप यहाँ ज्वाइन हुए? 3 months हुए हैं बस। सिर्फ 3 महीने में दिस इज व्हाट यू हैव अचीव्ड? ओके, दैट्स रियली अमेजिंग। और फ्यूचर के लिए आर यू गोइंग टू डू एनीथिंग डिफरेंटली, कुछ अलग आप इससे करने वाले हैं जो आपने कुछ भी सोचा हो? कुछ नहीं, मेरे को ओलंपिक्स खेलना है बस और कुछ नहीं, Under-23 रिप्रेजेंट। बहुत सारी बधाइयां आपको और यही उम्मीद, इसी मोटिवेशन के साथ आप आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच एंड कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन। शुक्रिया तानिया, और बहुत बहुत मुबारक एक बार फिर से आपको जयराम। एथलीट नीति ज्यादा बात करते नहीं है, तानिया ने पूरी कोशिश की लेकिन 2 sentences आधे सेंटेंस से ज्यादा वो बोल नहीं पाए, या कई बार खुशी इतनी होती है कि आपके पास शब्द कम पड़ जाते हैं, लेकिन मेडल उनका काफी कुछ बोल रहा है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज उन्होंने ये बोली कि हम इस बात का जिक्र भी कर रहे थे कि यहाँ पर उन्होंने नेशनल यूथ रिकॉर्ड भी बनाया, उन्होंने ये जिक्र भी किया था
कि मैं यहाँ पर गोल्ड मेडल के लिए तो पहले से ही जानता था आएगा, लेकिन इम्पोर्टेंट था कि रिकॉर्ड बनाना, क्योंकि ऐसे ही स्टेजेस पर सारे एथलीट्स कोशिश करते हैं कि वो रिकॉर्ड बनाए, अपनी टाइमिंग को बेहतर करें। 10.53 नया नेशनल यूथ रिकॉर्ड कायम कर लिया है इस 5th खेलो इंडिया यूथ गेम में 100 मीटर में डोंडापति जयराम ने। बहुत बहुत मुबारक इन तीनों मेडलिस्ट्स को।